आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। भारतवासी का महीने का औसतन खर्च में 3.7% गिरावट आई है। There has been a fall in the consumer data of every single Indian, especially so in the rural areas. ग्रामीण इलाकों की और बुरी हालत है। जो व्यक्ति 3.7% ओवरऑल, 8.8% ग्रामीण, जो व्यक्ति 2011-12 में महीने का 1501 रुपया खर्च करता था औसतन, वो 2017-18 में आते आते 1446 रुपए प्रति माह खर्च कर रहा है। ये एनएसएफ का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, भले कितना ही दबा ले निकलकर आ गया। सबसे गंभीर विषय यह है इस आंकड़े में कि जो भोजन पर खपत होती है, खर्च होता है, उसमें कमी आई, मतलब मैल न्यूट्रिशन बढ़ रही है। इसका स्पष्ट अगर विश्लेषण करें तो यह निकल कर आता है। ग्रामीण भारत जो कि 60% से भी ऊपर है, उसकी आर्थिक स्थिति और भयावह। जहां ग्रामीण भारत 2011-12 में भोजन पर महीने का 643 रुपए खर्च करता था, 643 रुपीज पर मंथ ऑन कंजम्पशन, ऑन ईटिंग, ऑन फूड, वो 2017-18 में 580 रुपए खर्च कर रहा। दिस इज अ शॉकिंग डेटा। तो ऑल इज नॉट वेल, सब चंगा नहीं है। ये उक्त जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए, ये सर्वेक्षण जुलाई 2017 से जून 2018 के दरमियान हुआ था, के बीच में हुआ था। कमिटी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो कमिटी है, एनएससी जो है, उसने जून 2019 में इसको जारी करने की मंजूरी दी, लेकिन जारी नहीं हुआ। अब आप ये काल देखिए, दिस पीरियड कोइंसाइड्स विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी और नोटबंदी के कुछ महीने बाद का ये आंकड़ा है, सर्वेक्षण है। तो जो हम बार बार कहते आए हैं, विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते आए हैं, यहां के अनर्थशास्त्रियों को जो सरकार में है उनको नहीं समझ में आया, वो ये कि नोटबंदी और जीएसटी ने जो तबाही की, ये उसका परिणाम आपके सामने है।